नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिवाली के लिए एक रील फॉर्मेट में इस शॉर्ट को एनिमेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले ये इलस्ट्रेटर में फाइल ओपन कर ली है। अब हम एक काम करते हैं, हमारा पहला काम होगा हम इसके जितने भी पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। तो ये मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है और इसको पेस्ट कर देंगे एक डिफरेंट लेयर में। और इसके बाद मैं ये बबल्स वाला जितना पार्ट था इसको अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर ले रहा हूँ। और यहाँ अंदर भी ये बबल्स वाला पार्ट है इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। और इसको कट करके हम डाल ले रहे हैं नई लेयर में। ओके, इसके अलावा अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट है इसको भी मैंने सेलेक्ट किया है और इसको भी मैं किसी सेपरेट लेयर में पेस्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है। सो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो एक बार इसको सेपरेट करके चेक कर लेते हैं कि यही पार्ट है ना। नहीं, आई गेस बीच में कुछ मिस हो रहा है। सो ये वाला पार्ट बीच में मिस हो रहा है, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। या आई गेस ये पावर पूरा का पूरा पार्ट सेलेक्ट हो गया है। मैं इसको कट कर ले रहा हूँ और इसको मैं डाल दे रहा हूँ नई लेयर में। इसको हाइड कर लिया है। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को भी मैं कॉपी करके नेक्स्ट किसी लेयर में डाल के सेपरेट कर लेते हैं। ओके, एंड इस वाले पार्ट को इसको भी मैं कट कर लेता हूँ और इसको किसी सेपरेट लेयर में डाल के इसकी ऑपेसिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे तो इसकी ऑपेसिटी देखिए नॉर्मल बता रहा है और 100% है। हम अंदर जाके चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए ये ओवरले है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल कर रहा हूँ और इसको 100% कर ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ चुका है, मैं इसको कट कर रहा हूँ और इसको मैं डाल लेता हूँ अगेन सेपरेट लेयर में। इसके बाद हम चलते हैं इन दिए के अंदर और यहाँ पे मैं ये जो ये वाला पार्ट है ये जो इसके नीचे की ड्रॉप शैडोज हैं इनको भी मैं हटा रहा हूँ। ओके, एंड अब हम एक काम करते हैं, हम इसको भी काट लेते हैं और ये हमारे पास एक दिया आ गया है सेपरेट, तो मैं इस दिए को कट कर रहा हूँ और इसको मैं किसी नेक्स्ट लेयर में डाल ले रहा हूँ। ओके, और इन पार्ट्स को इस पार्ट तो बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है इसको मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ लास्ट लेयर में, ये वाला पार्ट। अब हम करते हैं इसको सेव। अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो ये मेरा आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया है। सबसे पहला हम काम करेंगे फाइल को इंपोर्ट करने का, तो फाइल को करते हैं हम यहाँ से इंपोर्ट। ये देखिए ये हमारी फाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारे ग्राफिक क्या है, ये हाइड है, तो मैं इनको सबसे पहले तो अनहाइड कर लेता हूँ। ओके, ये बन के आ गया है। लेट्स सी, सबसे पहले बैकग्राउंड को हम सेट करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो ये बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे क्या है, इस बैकग्राउंड में
ये देखिए ये लाइन आपकी इसी बैकग्राउंड में है, तो इसको हमें क्या करना है, अपनी कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हमें इसको फिट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको सेपरेट करना होगा इलस्ट्रेटर में। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको जो मैंने इंपोर्ट किया था इसको डिलीट कर ले रहा हूँ, और अगेन हम ओपन करेंगे अपना इलस्ट्रेटर। ओके, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से इस स्क्वायर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा स्क्वायर है, मैं इसको कट कर रहा हूँ और इसको वापस से सही करते हैं, और इसको नेक्स्ट लेयर में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेंगे जैसा हमारा स्क्रीन का टाइप है उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए ये हो गया है, और इसको करेंगे सेव। और अब हम वापस से आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे और उस फाइल को करेंगे इंपोर्ट। तो ये हमारी फाइल है, यहाँ पे कंपोजिशन रिटेन फाइल साइज, और इंपोर्ट पर क्लिक किया, ये हमारी फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो गई है। ओके, अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने बैकग्राउंड पे। तो ये दो हमारे बैकग्राउंड हैं, इनको हम लेके जाएंगे सबसे नीचे, और जो ये बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा हमको स्केल करना पड़ेगा। तो इसको मैं स्केल करके फिट टू स्क्रीन कर ले रहा हूँ। ओके, इसको हम कर देंगे लॉक। नेक्स्ट हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसको सबसे पहले तो हम करेंगे अलाइन। ओके, ये अलाइन हो चुका है। अभी के लिए इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको 50 कर लेंगे, और इसको मिनिमाइज करके इसको भी कर लेंगे हम लॉक। ओके ग्रेट, चलिए अब हम चलते हैं हमारे शॉट पे, जो कि ये एंड ये। ओके, एंड ये, इतना पार्ट हमारा, ये जो सर्कल का था ये इस सर्कल का पार्ट है, तो मैं इसको प्री कॉम्प करके सर्कल नाम से एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल देंगे। ओके, इस कॉम्पोजिशन के अंदर चले गए, यहाँ पे इन्हें किया है हमने अनहाइड, और कॉम्पोजिशन की सेटिंग में नहीं, एक काम करते हैं अभी के लिए इसको एज इट इज रहने देते हैं। चलिए अब हम करने वाले हैं एनिमेशन स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये एंड ये, तो ये तीन पार्ट हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, स्केल का एक एनिमेशन कर लेता हूँ। ये हमने स्केल का एनिमेशन कर दिया फ्रॉम 0 to 100। इनको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया इजी ईज के लिए, और थोड़ा सा कुछ इस टाइप की ईज हमने इसमें डाल दी है। ये देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालने वाले हैं एक जंप एक्सप्रेशन, तो चलिए जंप एक्सप्रेशन को डालेंगे। तो दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है, अगर आप मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं और आप अपने आफ्टर इफेक्ट की स्किल्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं, यू कैन एक्सप्लोर दोज कोर्सेज। अभी मैं ये एक्सप्रेशन वाले सेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ ये बाउंस एक्सप्रेशन। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको हम डालने वाले हैं इनमें। ओके, अभी ये हमारा एक्सप्रेशन काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इन कीज को जो लास्ट कीज हैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करके इनकी ईज हटा दूंगा।
तो देखिए अब हमारा क्या है, ये काम करने लग गया है। तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा नज़दीक ले आता हूँ। ओके, अगेन यू प्रेस किया, सारी कीज़ खोली और मैं अब 5 फ्रेम आगे जाके इन कीज़ को मूव करने वाला हूँ। तो देखिए ये हमारा एनिमेशन बन के तैयार है। अब बात आती है टेक्स्ट की, तो मैं टेक्स्ट खुद से टाइप करने वाला हूँ यहाँ पे। ये मेरा पहला टेक्स्ट। ओके, इसको हम रखेंगे रेगुलर और इसको साइज को हम छोटा कर देते हैं कुछ इतना। नेक्स्ट हमारे पास है दिवाली। इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड और इसका स्केल साइज हम करीबन इतना रख लेंगे। और अगेन हमको एक और चाहिए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो मैं यहाँ पे इसको डाल देंगे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ओके, इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। और जो ये पीछे वाला पार्ट था हम इसको हाइड कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत अभी नहीं है। तो ये हो चुका है हमारा टेक्स्ट रेडी। अब हम इसमें करने वाले हैं एनिमेशन, तो चलिए देखते हैं कुछ एनिमेशंस। तो मैं सबसे पहले तो इसमें एक इन वाला एनिमेशन करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको काट लेता हूँ। ये मैंने काट लिया और इसको अलग रख लेंगे इधर। ओके, अब मुझे करना है इसमें एनिमेशन, तो इन तीनों को मैं करूँगा सेलेक्ट। और अब हम देखते हैं इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जाएंगे, प्रीसेट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं कुछ। सो ये वाला एनिमेशन ठीक है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे यू प्रेस, तो ये जो कीज़ हैं इन कीज़ को मैं थोड़ा सा नज़दीक ले आऊँगा। यहाँ पे से हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ करीबन इतना, और इसको थोड़ा सा और नज़दीक ले आते हैं। तो ये हो गया है हमारा पहला एनिमेशन, इसको थोड़ा सा और नज़दीक ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट ये है, अब इनको थोड़ा सा की इसको हम मूव करेंगे। तो मैं करीबन इतना इसको मूव कर ले रहा हूँ और इतना इसको मूव कर लेता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा और क्लोज करेंगे और इसको थोड़ा सा और मूव करेंगे। ओके, ठीक है, ग्रेट। ये हो गया है। अब हम यहाँ पे से क्या करेंगे, इसमें कुछ इफेक्ट देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हम देख लेते हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं। लेट्स सी। नहीं, ओके, दिस इफेक्ट विल वर्क। ग्रेट, ये चलेगा। तो हम इसी में को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम आते हैं इधर और अब हमें थोड़ी सी इनमें रोटेशन डालनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके रोटेशन को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ लूप, सॉरी यहाँ पे हम डालने वाले हैं टाइम मल्टीप्लाई बाय 20। लेट्स सी।
ओके 20 इज वेरी फास्ट, सो लेट्स गो विथ 10. ओके सेम थिंग हम इस सेकंड वाले में डालेंगे और इसके रोटेशन में हम डालेंगे टाइम -10. राइट, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन है, इस सभी टेक्स्ट को हम पेरेंट करते हैं इस वाले लेयर से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर लेंगे. सो इस लेयर पे मैंने इनको पेरेंट किया है और मैं इसकी स्केल, ओके हमने ऑलरेडी स्केल में एक एनिमेशन किया हुआ है, बट मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड एनिमेशन भी स्केल में ही करना है. तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नल ऑब्जेक्ट ले लूँगा, ये मैंने एक नल ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसको मैंने नल पे पेरेंट कर लिया. अब हम सबसे पहले तो इसका सेंटर पॉइंट देख लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो मुझे नल का भी सेंटर पॉइंट यहाँ पे ही रखना पड़ेगा. तो चलिए अब हम नल को सिलेक्ट करेंगे और वाई प्रेस करके इस एंकर पॉइंट को हम रख देंगे यहाँ पे. अब हम नल में क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं. तो स्केल करने के लिए मैंने की लगा ली है, मैं थोड़ा सा आगे गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और थोड़ी ड्यूरेशन आगे जाके इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लिया. F9 प्रेस किया और यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल दिया लूप आउट. ओके एंड इस पार्ट को मैं ओके इस स्केल वाले पार्ट को हम यहाँ पे ले आते हैं. तो अब हम प्ले करके देखेंगे. इन लेयर्स को हम यहाँ पे काट लेते हैं और इसको हम थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेंगे. तो ठीक है, नाउ द एनिमेशन लुक्स गुड टू मी, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस एनिमेशन. चलिए अब हम चलते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन में और इस कॉम्पोजिशन में अभी के लिए मैं इसको कर लेता हूँ हाइट, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमने फिर. तो अब हम बात करते हैं इस दिए की, तो इस दिए को मैं लेके जाता हूँ सबसे ऊपर और इस दिए पे हम एक फ्लेम बनाएंगे. तो उसके लिए मैं एक शेप लेयर ले रहा हूँ और इस शेप लेयर को हम इस शेप लेयर पे मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके अभी के लिए इसके स्ट्रोक को तो हम ज़ीरो कर देंगे और इसके फिल को हम कर लेंगे कुछ ऐसा. इस पे सेलेक्ट किया मैंने और पेंट टूल से मैंने एक शेप बना लिया है कुछ इस टाइप का. तो देखिए ये हमारा शेप बन चुका है और मैं अब जा रहा हूँ इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में ला के इसको यहाँ पे मूव कर दे रहा हूँ. ओके और अब हम डालने वाले हैं एक व्हीकल इसके स्केल में, जो कि हम डालेंगे व्हीकल 210. लेट्स सी अगेन, मैं कर रहा हूँ इसको डुप्लीकेट और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं स्केल डाउन, या देयर इट इज. अब हम इसमें ग्रेडियंट डालने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा सा ग्रेडियंट यूज करते हैं. रेडियल हम इसमें डालते हैं और कलर ये कर लेंगे और दूसरा कलर भी यही कर लेंगे. ओके हमने ये ओके किया और इसका जो लाइन है, अच्छा इसको हमें मूव करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ. तो इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं. अब ओपन करेंगे हम अपना ग्रेडियंट.
और इस ग्रेडियंट में हम थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं। ओके, ये हमारा कलर चेंज हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ। अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो देखिए, ग्रेट। अगेन हम एक काम करेंगे, हम एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको सबसे ऊपर रख लेते हैं और इसका भी हम स्केल डाउन कर देंगे कुछ इतना। तो या दिस विल वर्क। ऑल्सो हम थोड़ा सा इसमें ब्लर डाल के चेक कर सकते हैं, तो मैं डाल रहा हूँ इसमें गोशियन ब्लर और थोड़ा ब्लरीनेस बढ़ा दिया है, और सेम इसी को कॉपी करके हमने इसमें भी डाल दिया है। तो ये हमारा इफेक्ट तैयार है, इसको हम एक प्री कॉम्प कर लेंगे ग्लो नाम से। ओके, और इसमें हम डाल लेंगे ग्लो। ओके, दिस लुक्स गुड टू मी। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन पे। तो अब हम करने वाले हैं, ये हमारा ग्लो हमारा तैयार है, और अब हमें चाहिए इस सर्कल। ओके, तो इस सर्कल को मैं रखता हूँ इस दिए के नीचे। ओके, और इसको हम मूव करते हैं इस पोजीशन पे। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा स्केल डाउन, दिस इज इट। ओके, अब हम इसका 3D लेयर ओपन करने वाले हैं, और रोटेशन मैं इसकी ओपन करने वाला हूँ, और हम इस वाली रोटेशन को कुछ ऐसे रखेंगे। ओके, ये हो गया है, और Z जो रोटेशन है उसमें हम लगाएंगे एक एक्सप्रेशन 10, दिस इज इट। ऑल्सो इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेंगे कुछ इस टाइप से, इसकी रोटेशन को थोड़ा सा और हमको नीचे की तरफ करना होगा। ओके, ये लुक्स कूल। अब एक शेप हमें चाहिए होगा इसके नीचे शेडो बनाने के लिए, तो मैं एक इक्लिप्स ले ले रहा हूँ, और इस इक्लिप्स को हम करवन इतना बड़ा बना लेंगे, और इसको थोड़ा सा सेंटर में मूव कर लेते हैं। हाँ, समथिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हम इसमें जो कलर है, कलर हम इसका करेंगे ब्लैक। दोनों कलर को हमने ब्लैक कर दिया है, और साथ ही साथ मैं इस वाले की ऑपेसिटी जो है वो कर ले रहा हूँ 0, और इसको हम रखेंगे इसके नीचे। इसको थोड़ा सा एंकर पॉइंट को उसके सेंटर में करके इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे करीबन इतना। इसकी ऑपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं पहले, तो
ये ओपेसिटी हम इतनी 50 कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हम ब्लर। अगेन हम इसका एक काम करते हैं, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये ब्लैक वाला कलर जो है, मैं इसको चेंज करके ये वाला कलर यूज कर ले रहा हूँ। ओके, और इसी कलर को मैं यहाँ से कॉपी करके इस साइड में डाल देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम पीछे वाला जो ये सर्कल, ये जो दो दिए हैं बाकी के, इनको हाइड कर लेता हूँ मैं। या ओके, तो अब हम चलते हैं अपने इस बैकग्राउंड की तरफ। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ इस वाले की ओपेसिटी तो पहले मैं 100 कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा और स्केल अप कर लेंगे हम, करीबन इतना। ओके, या इतना हमने इसको स्केल कर लिया है। और इसमें ओके, ब्लर हमारा ऑलरेडी डला हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर ले रहा हूँ, और इसकी ऑपेसिटी को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। कूल, थोड़ा सा हम अगेन इस वाले पार्ट में जाके इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। चलिए, ये हमारा दिया रेडी है। हम इस सबको, यह इतने सारे पार्ट को हम प्री कॉम्प कर लेते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं दिया। अब पीछे वाले रेफरेंस को मैंने ऑन कर लिया है, इस दिए को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसको थोड़ा सा स्केल डाउन भी कर लेते हैं, इतना। तो ये हमने प्लेस कर दिया है, और इसी को डुप्लीकेट करके हम इधर भी प्लेस कर देंगे। ये हो गया है हमारा शॉट रेडी। ओके, अब जो मेन ये जो दिया था, इसको हटा हाइड कर लेते हैं, और अपना दिवाली वाले पार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास शॉट रेडी है। अब हमें चाहिए कुछ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के लिए चलते हैं हम पिक्सल्स पे। ओके, यहाँ पे वीडियो में पार्टिकल सर्च करते हैं। तो ये कुछ वीडियोस हैं, ये सेकंड वीडियो एंड ये थर्ड वीडियो, तो मैं इनको कर ले रहा हूँ डाउनलोड 1920x1080 साइज में। ओके, ग्रेट, इन तीनों वीडियोस को मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर। ये हो चुका है इंपोर्ट। अब मैं इसमें से फर्स्ट वाली वीडियो को इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने प्लेस किया यहाँ पे। इसकी रोटेशन को हम 90 डिग्री कर देंगे। तो ये हो चुका है, और अब हम F4 प्रेस करके इसका जो मोड है, इस मोड को हम करेंगे ऐड। ग्रेट, हम इसको काम करते हैं। इसके रोटेशन को हम करते हैं -90, और इसकी ऑपेसिटी को हम करते हैं 50, और हम इसमें डालने वाले हैं ह्यू। ओके, कलराइज को मैंने चेक कर लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ग्रेट, सेकंड हम डालने वाले हैं सर्कल के अंदर। तो ये जो सर्कल है, ओके, दिस इज द सर्कल।
एंड सेकंड शॉट जो हमारा था दिस वन, इसको मैं सर्कल के ऊपर रख लेते हैं यहाँ पे, ओके। एंड इस सर्कल को मैंने डुप्लीकेट कर लिया है और इसके ऊपर रख के F4 प्रेस किया और इसको कर दिया है मैंने अल्फा मैट, ओके। अगेन मैं इसी वीडियो के ब्लेंडिंग मोड को कर ले रहा हूँ ऐड, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन की सेटिंग में जाके 6 सेकंड है, इसको मैं कर लेता हूँ 10 सेकंड। और इनको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कूल, देखते हैं। ग्रेट, इसकी ऑपेसिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे 50। इन दोनों को डुप्लीकेट करेंगे तो इन दोनों को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट और मैं इसको प्लेस करता हूँ यहाँ पे। बट हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्केल को हटाना पड़ेगा, तो इसके स्केल को मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ और अब हम इसको कर लेंगे मूव यहाँ पे। अब देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है या तो ये हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं दिए में, इसकी भी कॉम्पोजिशन को हम बढ़ा देते हैं। कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाके हम इसे कर लेते हैं 10 सेकेंड। ओके, अगेन हम ग्लो के अंदर जाके यहाँ पे भी हमें कॉम्पोजिशन को बड़ा करना पड़ेगा 10 सेकंड का। तो मैंने ये 10 सेकंड कर लिया है और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा बड़ा हो चुका है पूरा 10 सेकंड का। ये वाली कॉम्पोजिशन 10 सेकंड नहीं पड़ी है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 10 सेकंड कर लेंगे और इन सबको बढ़ा लेते हैं। ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें करने हैं अपने दिए एनिमेट, तो चलिए दियों को एनिमेट कर लेते हैं। हम पोजीशन पे की लगा रहे हैं और मैं इसको नीचे से नॉर्मली मूव कर लूँगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे गया मैं, इसको नीचे को स्लाइड कर लिया है यहाँ तक, ओके। इजी ईज लगाई इसमें, ओके। अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फास्ट हो गया है थोड़ा, मेरे को स्लो करना है, अब देखते हैं। कूल, बस अब हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव कर लेंगे। तो इसको मैं कुछ फ्रेम आगे मूव कर लेता हूँ और इस वाले को भी कुछ फ्रेम आगे मूव कर लेता हूँ। ग्रेट, हमारी फ्लेम जो है आगे नहीं बढ़ी मुझे लग रहा है, तो या इसको यहाँ पे फ्लेम को बढ़ाना पड़ेगा। और थोड़ा सा हम एक काम और करते हैं, इसके अंदर जाके जो हमारी सबसे लास्ट वाली फ्लेम है, इसके हम स्केल में जाके इसके विगल को थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ 20। या तो अब थोड़ा सा हमें फ्लेम भी प्रॉपर दिखने लग जाएगी। दोस्तों, दिस इज़ आवर फाइनल एनिमेशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आप मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, आफ्टर इफेक्ट सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए यू कैन चेक आउट आवर कोर्सेज हेयर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो जैसे ही आप ये कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो ये वाला देखिए, ये वाला कोर्स हमारा बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। सो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।